हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस 41,520 पदों के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया अभी चालू है, जिसमें सिविल पुलिस के जो बच्चे हैं उनका जो मेडिकल है, उनका जो JTC है, वो सारा कुछ कैसे होगा उसके बारे में एक अभी हाल ही में एक नोटिस कल रात में निकली है, तो आज हम उसी नोटिस के बारे में बात करने हैं कि उस नोटिस में पूरा क्या बताया गया और किसके लिए है, और ये जो PHQ द्वारा ट्रेनिंग सेंटर जो की जो सभी तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, तो इसी के बारे में बताया गया। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पर होगा, आपको क्या क्या लेके जाना है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो सो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो कि न्यू वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज द्वारा ये भेजा गया, फैक्स करके भेजा गया है, तो ये जो नोटिस निकला था ये 16 अप्रैल को निकला था, बट ये जो फैक्स करके भेजा गया है 22 तारीख को भेजा गया है, और आज 24 है, कल रात में ये 23 तारीख को पब्लिश हुआ था, यानी वेबसाइट पे आया था यूपी पुलिस के। तो चलिए इसको पढ़ के यहाँ पर पूरा देख लेते हैं, इसका विषय क्या है, किसके लिए भेजा गया है। तो सेवा में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश, विषय आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में। तो उसके बाद जो कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इस पे क्या पॉइंट दिए गए हैं, तो कृपया उपर्युक्त विषय में विषय इस मुख्यालय के समाक पत्र दिनांक 19/3/2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको पत्र प्रेषित किया गया था, तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं पर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नंबर एक, बोला गया है रिक्रूट आरक्षियों के जनपद में आगमन करने के पश्चात उन्हें 1 माह के लिए प्रादेशिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये आपकी JTC है, या 1 महीने यानी बोला गया है, तो ये 1 महीने के अंदर ही हो जाएगी, कहीं 20 दिन कहीं 25 दिन, ठीक है, बट 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद नंबर दो है रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पूर्व में ही प्रशिक्षण केंद्र में एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जाए, जिसमें एक सुयोग्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाएगी, जो रिक्रूट आरक्षियों को आगमन करने पर उनको उचित मार्गदर्शन कराएगी। आगमन में रिक्रूट आरक्षियों का नॉमिनल रोल फॉर्म भरवाए, एक वहाँ पे आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे जो पूरी डिटेल होगी वो मांगी जाएगी, जिस पर नवीनतम फ़ोटो भी लगवाएं एवं सत्यापन से संबंधित आधार कार्ड ID भी प्राप्त करें। तो आप आधार कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड अपना भी फॉर्म भर दीजिए, एक दो हफ्ते में बन जाएगा, वो भी लेके जाना है, और आपको जो नई फ़ोटो है आप फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक रिक्रूट से पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित मेस एडवांस जमा कराया जाएगा, तो आपसे वहाँ पे एडवांस मेस का जो भोजन का होगा वो पहले ही जमा करा लिया जाएगा उसी दिन, तो आपको यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये उस दिन लेके जाना होगा। तथा तो गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते जाते समय भोजन व्यय काटकर शेष धनराशि उसे वापस कर दी जाए। समस्त रिक्रूट आरक्षियों को पुलिस लाइन के अंदर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करने का अनिवार्य होगा, तो आपको जो उस भोजनालय जहाँ आपके JTC होगी वहाँ पे जो भोजन होगा वहीं पे भोजनालय, वहीं आपको वहीं पे लंच मिलेगा, वहीं करना होगा, आपको पहले पैसा जमा करना होगा, बाकी जो उनका पैसा जितना बनेगा वो पैसा अपना रख लेंगे, बाकी जो आपको पैसा आपको वापस कर देंगे बाद में, ठीक है। तो आपको कम से कम 10,000 रुपये वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। समस्त रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के अगले दिन रिक्रूटों को 01/0 परेड कराई जाए, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन के पूर्ण भ्रमण कराया जाए, तथा जनपद के मुख्यालय के नियुक्त समस्त पुलिस व अन्य विभागों के बारे में जानकारी कराई जाए। जनपदीय पुलिस अधीक्षक रिक्रूटों को वर्दी की वे वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त वे वर्दी सामग्री जनपद स्तर के क्रय करके उपलब्ध कराई जाए, जो उपलब्ध करा दी जाएगी। वर्दी के साथ ही रिक्रूटों को किट कार्ड बनवा दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपका वर्दी भी बनवाई जाएगी, आपको किट भी मिलेगा। जनपद पुलिस अधीक्षक सभी रिक्रूटों को चरित्र पंजिका भी तैयार कराएगा।
तो आपके यहाँ पे एक चरित पंजिका भी बनेगी। अभ्यार्थी प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि रिक्रूटों की विशेष रूप से वर्दी का रख रखाव तथा उनका पहचान वर्दी तथा सादे कपड़े में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम बनाना, पुलिस अधिकारियों के रैंक और अलंकारों का ज्ञान, परेड ग्राउंड, गणना स्थल, भोजनालय तथा बैरक आवास के अनुशासन का विविध ज्ञान कराया जाएगा। जिला पुलिस प्रभारी JTC प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त परिचय पत्र द्वारा तैयार कराकर रिक्रूट अभिरक्षियों को साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे भेजे जाएंगे। परिचय पत्र संस्था द्वारा रिक्रूट अभिरक्षियों को वितरित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक प्रति माह कम से कम 01 बार रिक्रूट अभिरक्षियों से साक्षात्कार करेंगे। तो 1 सप्ताह के अंदर हर कम से कम 1 बार आपसे वहाँ पे वो लोग आएंगे, आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। JTC के मध्य प्रत्येक रिक्रूट आरक्षी की निर्धारित वर्दी तैयार कराई जाएगी, परिचय पत्र बनाया जाएगा, बैंक खाता खुलवाया जाएगा, PNO आवंटन करवाया जाएगा, मेस नेम प्लेट बनवाई जाएगी, पुलिस अधीक्षक द्वारा RTC में भेजने से पूर्ण कराया जाएगा। तो ये सारा काम जो RTC जब आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो उससे पहले यहाँ पे आपको वहाँ पे सब कंप्लीट करवा देगा JTC में 1 महीने के अंदर। न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित प्रशिक्षकों के समस्त अभिलेख एवं सेवा अभिलेख RTC में भेजने से पूर्व तैयार कराया जाएगा। रिक्रूट आरक्षी का प्रान नंबर आवंटन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली, जिन रिक्रूट आरक्षी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन अभ्यर्थियों के पैन कार्ड प्रारंभिक के आधार पर बनवा दिया जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड अभी अप्लाई कर दीजिएगा, आधार कार्ड तो बन ही जाएगा, होगा सबके पास ही। चयनित रिक्रूट आरक्षी के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने से पूर्व अग्रसित किए जाने वाली संख्या को कार्यालय जनपदीय नोडल अधिकारी प्रमाणित करेंगे। तो वहाँ पर जो नोडल अधिकारी होंगे वो प्रमाणित करेंगे। उसके बाद और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से 4 पॉइंट दिए गए, तो इनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो ना लंबी हो। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त OMR आवेदन पत्र चयन परिणाम के संबंध में पूर्ण रूपेण गोपनीयता बरती जाए। नंबर 2, जिन चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा चयित सत्यापन हेतु बुलाया गया है, उनका बुलावा पत्र, सूचना विशेषक, अभिलेख पत्रावली व सुरक्षित रखा जाए ताकि बाद में क्लेम करने पर उन्हें सूचित या अवगत कराया जा सके। नंबर 3, चयनित अभ्यर्थियों का चयन चरित्र सत्यापन थाना LIU DCRB से गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए ही दिन पर कराया जाए, ठीक है, एक ही दिन पर कराया जाए। अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ भेजकर शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराया जाए। चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन में उपर्युक्त पात्र अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेख ग्रह जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा JTC के जनपदों को भेजने हेतु अभ्यर्थियों को थाना स्थानीय के माध्यम से सूचित करने के लिए भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो था। तो जो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस अधीक्षक होंगे, ये तो उनके लिए ये था। अब तो ये इतना चीज़ यहाँ पे हो गया, तो ये सारा कुछ यहाँ पे था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही सारा कुछ था। हाँ दोस्तों, अगर एक चीज़ आपसे और है कि अगर आपके पास आपने ये पॉइंट अगर नहीं पढ़ा है, पॉइंट नंबर 16, तो इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 16 आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चयनित रिक्रूट आरक्षी यदि कंप्यूटर 4 पहिया वाहन चलाने की जानकारी रखता है तो उसे कंप्यूटर संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके सेवा अभिलेखों के साथ रखते हुए सेवा अभिलेखों में उसका अंकलन भी किया जाए।
तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपने ओ लेवल सी लेवल ट्रिपल सी कुछ भी किया रखा है कंप्यूटर से या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ आपको इस पर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, आप ओ लेवल से हो या फिर ट्रिपल सी कुछ भी किए हो, तो आपको हो सकता है कभी आपको इन फ्यूचर आपको ऑफिस का वर्क मिल जाए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपको कभी डायल 100 में ड्यूटी लग जाए, या फिर कहीं गाड़ी चलाने के नंबर मिल जाए। तो आपको ये बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं करेगा, तो अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर लेके जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी, पूरी जो जानकारी थी वो आपको तक पहुँचा दी मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।